मेरा नाम मरियम है और मैं इंडोनेशिया में रहती हूँ। सो अगर आपको वीडियो नहीं देखनी है तो आप अभी से स्किप कर दें, बिकॉज मुझे कोई हेड कमेंट नहीं चाहिए। बहुत से लोग मुझे हेड कमेंट करते हैं, भाई आप लोग एक दो मिनट की वीडियो देख के मुझे हेड कमेंट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको इसके पीछे की जो मेहनत होती है वो आपको दिखती नहीं। पहले बनाना, एडिट करना, अपलोड करना, और आप लोग बस आसानी से कह देते हो हम क्या करें हम क्या करें। भाई प्लीज़ ऐसे मत किया करें, अगर नहीं देखना तो मत देखें भाई, आप पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बाकी ख़ुद भी खुश रहे और हमें भी खुश रहने दें। और जो लोग कहते हैं आपकी आवाज़ आहिस्ता है, सो प्लीज़ मैं कोशिश करूँगी कि आवाज़ मेरी तेज़ हो, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है। सो अब मैं इस पे गौर करूँगी और इंशाल्लाह इसको सही करूँगी। मुझे ना समोसे बहुत ज़्यादा पसंद है, बस मेरा दिल करता है बस मैं चाट में मिक्स करके खाती रहूँ। तो फिर मैंने दोबारा रात को खाए और फिर ये रही गुड मॉर्निंग नेबर्स, और नेबर्स सारे सोए हुए हैं बिकॉज आज मैं सारी की बात नहीं सोई। और भाई आज पहली बार मैंने पहाड़ देख लिया, और आज बहुत दिनों बाद मैंने धूप देख ली थी, बिकॉज मैंने तो आज तक मैंने बहुत दिन हो गए धूप नहीं देखी हुई, और धूप इतनी ज़्यादा दिनों बाद देखी ना तो बहुत अच्छा लग रहा था धूप देखकर। और फिर मैं सहरी करने के बाद सो ही नहीं, फिर उसके बाद ये रही हमारी अफ्तारी, और फिर अफ्तारी में फिर उसके बाद मैं तकरीबन 12-1-2 बजे थे फिर मैं सो गई थी। फिर मैं अफ्तारी से थोड़ी देर पहले उठी थी, सब कुछ रेडी था, मेरी मैंने सब कुछ रेडी किया हुआ था, फिर मैं अफ्तारी करके दोबारा सो गई थी। और यहाँ पे जो सिगरेट है वो मेरे अब्बू को बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मेरे अब्बू ने अपने लिए थोड़े से मंगवा लिए पाकिस्तान से। और ये रहे मेरे भाई के चप्पल, और इसके अंदर मेरी बहन के ये जूते भी थे भाई, ये तो मुझ में भी आ रहे थे, इतने मज़े के प्यारे से थे। और भाई इतने मज़े का कहता है मेरे जूते कहाँ, मैंने बोला ये रहे, वो कहता है उसको हंसी आ गई थी, वो कहता है इतने तो लड़कियों वाले, मैंने बोला नहीं भाई आजकल का अंग्रेज लोग यही पहन रहे, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये रहे यम के स्वीट्स, और फिर मेरे जीजू ने मेरे लिए ये भेजा है भाई, इतनी ज़्यादा सारी चॉकलेट्स, इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें, और ये हैंड फ्री है पता नहीं क्या, लेकिन उसको ना ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके करते हैं लाइक यूज़। और उसके बाद मेरे मोबाइल का ना बहुत टाइम से तकरीबन 2-3 महीने हो गए कि मेरा मोबाइल कवर मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑनलाइन भी देख लिए और शॉप में भी मैंने पूछ लिया, लेकिन मेरे मोबाइल का जो कवर है वो मुझे नहीं मिल रहा था। और जब फ्री की कोई चीज़ मिलती है बंदा कितना खुश होता है ना, मैं भी इतनी ज़्यादा खुश थी। बट इसमें से बहुत सारे तकरीबन 10 वेवी थे, और उसमें से तकरीबन 4 वेवी खुल चुके थे रास्ते में ही, तो फिर क्या करते हुए मैंने खा लिए थे फिर। और जो बंदा ला रहा था ना वो लेकर ही नहीं आ रहा था, बहुत सारा सामान था लेकिन वो हमारे लिए बस थोड़ा सा ले आया। और फिर ये रहे भाई इस जूते के पीछे तो टिकटॉक का लोगो भी है, और ये मेरी बड़ी सिस्टर ने मेरी इस सिस्टर के लिए इतनी सारा सारी चीज़ें भेजी, उसने मेरे लिए कवर, चिप्स और मिठाइयाँ बहुत सारी चीज़ें भेजी, थैंक यू आपी। बस मेरी आपी भी मेरा व्लॉग देखनी है तो प्लीज़ थैंक यू। इसमें इतने ज़्यादा सारे चॉकलेट थे, लेकिन जब मैं ये खोलूँगी तो आपको तभी दिखाऊँगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये रहा मेरा पुराना कवर जिसकी हड्डियाँ पट्टियाँ सब टूट चुकी हैं, फिर मैंने उसको फेंक दिया था, और मेरा मोबाइल तकरीबन 2-3 महीनों से बगैर कवर के था, और इन चिप्स में से तो सब माल निकला हुआ है भाई। मैं और मेरी बहन बात करते ये बने कहाँ होंगे, और देखे इनका नसीब जहाज़ में घूम के किसी और मुल्क जाना था, कहाँ से कहाँ आ गए ये सब। और फिर मेरा मोबाइल इतना ज़्यादा मस्त लग रहा था, और मेरा भाई घर पे नहीं था तो मैं भाई के कमरे में सो गई थी। भाई का कमरा कोई जन्नत से कम नहीं भाई, इतना मज़े का ठंडा ठंडा कमरा था, और मज़े का फ़ैन भी था, इतना ज़्यादा मज़ा आया। फिर मैं पूरा दिन ना सोई हुई थी, तो फिर मुझे ना रात को नींद नहीं आ रही थी, और मुझे फिर भूख भी लग रही थी, तो फिर मैंने अपने समोसा फ्राई किया, और फिर मैंने चाट बनाया, और ये जो बर्तन थे फिर मैंने वो भी धो लिए थे, और ये मैं अपने यहाँ पर समोसा डालते हुए, और फिर मैंने जल्दी से अपने लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली बिकॉज भाई चाट बनाना था मुझे अपने लिए, और भाई इसमें से घोड़े निकलते हुए। उसके बाद जल्दी से मैंने अपने लिए शरबत निकाला, और फिर अपना फेवरेट काम किया, फ्रिज को लात मारा, उसके बाद समोसा फ्राई हो चुका था, तो फिर मैंने उसको चाट में मिक्स करके खाया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा। और फिर मैं मूवी भी देख रही थी साथ में, पहले तो नज़र नहीं आता, फिर मैंने फ्लैश लाइट बंद कर दिया तो फिर नज़र आया, फिर मैंने इन्जॉय करके खाया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, हद से ज़्यादा। और टेबल पे जो सारे बर्तन पड़े हुए थे गंदे, फिर मैंने वो सारे धो लिए थे, फिर मैंने सेट से थोड़ी देर पहले ही फिर मैंने अपने लिए गुलाब जामुन खाया, मिठाई बहुत टाइम बाद खा रही हूँ ना तो दिल करता खाने का, तो फिर मैंने खा लिया, तो मैंने बोला फिर पूरा दिन खा नहीं पाऊँगी, रोज़ा होगा, फिर मैं जल्दी से गई अपने लिए केक रस लेने, भाई मुझे केक रस बहुत ज़्यादा पसंद है, हद से ज़्यादा। और फिर मैंने ये रही मेरे भाई की सहरी तैयार हो चुकी है, फिर मैंने अपने भाई को सहरी दी, मैंने अपने लिए थोड़ी सी चाय डाली, मैंने बोला सबसे पहले ये 3-4 केक रस खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं चाय पराठा सब कुछ खाऊँगी, उसके बाद ये रही मेरी सहरी। और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।